हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन की फ़र्स्ट राउंड का जो रिज़ल्ट है वो आज डिक्लेयर हो गया है। अगर आप रेगुलर या एनसी वेब में पीजी में एडमिशन लेना चाहते हो और आपने सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम दिया था प्लस जो काउंसलिंग का फॉर्म है दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो भरा था, तो फर्स्ट राउंड का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है। और अब आप ये चेक कर सकते हो कि यदि आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है या नहीं। तो कोई भी अलग से वेबसाइट पर पीडीएफ नहीं आएगी कि इस कोर्स की इतनी कट ऑफ है, कुछ नहीं आएगा। कट ऑफ चेक करने के लिए या फिर सीट अलोकेशन का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको CSAS पोर्टल में जाना है और अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की मदद से लॉगिन करना है। जी हाँ, थोड़ा सा सिक्योरिटी में चेंजेस हुए हैं। शायद आपको लॉगिन करने में इस बार OTP भी मांगा जाए। तो आप अपने क्रेडेंशियल के थ्रू लॉगिन करोगे, इस तरह का पोर्टल होगा। यहाँ पर आप देखोगे क्लिक हेयर टू व्यू सीट अलोकेशन, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि यदि आपको कोई सीट अलॉट हुई है या नहीं। और इस बार एक और नई चीज़ यहाँ पर इन लोगों ने प्रोवाइड करी है, वो है कट ऑफ। जी हाँ, कट ऑफ भी इस बार इसी पोर्टल में इन लोगों ने प्रोवाइड कर दी है। कट ऑफ चेक करने के लिए दोस्तों आपको इसी मेन पेज पर नीचे स्क्रॉल करना है, तो जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया हुआ होगा उसके आगे एक ऑप्शन नज़र आएगा कट ऑफ का। अब मुझे नहीं पता कि आपके कोर्स के आगे ऑप्शन आ रहा है या नहीं, फिलहाल इस स्टूडेंट के डैशबोर्ड में ऑप्शन आ रहा है। तो कट ऑफ में हम व्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इस बच्चे ने जिस कॉलेजेस का प्रेफरेंस दिया होगा उसका नाम लिखा हुआ होगा यहाँ पर, और साइड में लिखा हुआ होगा कि फर्स्ट राउंड तो कौन सा राउंड है, कौन सी कैटेगरी है और कट ऑफ क्या गई है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ होगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो कैटेगरी 1 और 2 का सवाल भी बच्चे पूछेंगे, जो प्रोफेशनल कोर्स है उसमें तो कैटेगरी 1 ही रहती है, 2 नहीं होती। कैटेगरी 2 उन बच्चों की होती है जिनका ग्रेजुएशन सेम डिसिप्लिन में है और DU से है। तो सबका कट ऑफ यहाँ पे आपका कोर्स वाइज भी दिखा देगा। अलग से PDF नहीं आई, लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को भी इंक्रीज़ करा है कि आपके पोर्टल के अंदर ही एक कट ऑफ का जो ऑप्शन है उन लोगों ने ऐड कर दिया। तो ये भी आप लोग यहाँ से जाकर चेक कर सकते हो। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को सीट अलॉट हुई हो और वहाँ पर विजिबल नहीं हो रही हो, तो आप ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं सीट अलोकेशन को देखने का, ये सिर्फ 22 जून को नहीं 23 जून तक शाम 5 बजे तक भी आप लोग बार बार इसको देखते रहिएगा। क्योंकि लास्ट ईयर भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी कि सीट अलोकेशन काफ़ी बच्चों को हुआ था लेकिन वो पोर्टल में बहुत देर के बाद रिफ्लेक्ट हुआ था, तो आप लोग चेक ज़रूर से करते रहिए। अब ये तो बात हो गई सीट अलोकेशन का जो रिज़ल्ट है वो चेक कैसे करना है, अब इसके बाद का आगे का क्या प्रोसेस है ये समझ लीजिए। सबसे पहले हम कुछ कैटेगरीज में स्टूडेंट को डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी उन बच्चों की है जिनको सीट अलॉट हुई है और वो अपनी सीट से सेटिस्फाइड हैं। इन्हें क्या करना है, आपको अपने पोर्टल से जो भी सीट आपको अलॉट हुई है उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। कुछ अंडरटेकिंग हो सकता है आपसे भरवाया जाए, तो उस पर क्लिक करके सीट को एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट जैसे ही आप करोगे तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके अपलोडेड हैं, जो भी आपकी डिटेल्स हैं, उन्हें वेरीफाई करा जाएगा आपके डिपार्टमेंट द्वारा। अगर वेरीफिकेशन में उन्हें यह लगता है कि कोई गड़बड़ी है आपके डॉक्यूमेंट में, तो वो आपको ईमेल के थ्रू कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं और वो गड़बड़ी आपको रिजॉल्व करने का ऑप्शन देंगे। जैसे ही वो गड़बड़ी आप रिजॉल्व कर दोगे या फिर गड़बड़ी कुछ नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, तो उसी CSAS पोर्टल से आपको अपनी एडमिशन फ़ीस पे करनी होगी। एडमिशन फ़ीस जैसे ही आप पे कर दोगे तो प्रोविजनली आपका जो एडमिशन है वो कन्फर्म हो जाएगा। प्रोविजनली इसलिए वर्ड यूज़ करा बिकॉज जब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट कॉलेजेस खुलेंगे फिजिकल क्लासेस के लिए, वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट को फिजिकली वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो एडमिशन है वो 100% कन्फर्म होगा। दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की है जिनको सीट अलॉट हुई है बट वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उन्हें भी ये सारी एक्टिविटीज़ फॉलो करनी होंगी। अपने डैशबोर्ड से अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वेरीफिकेशन का वेट करना पड़ेगा और फिर फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 2 चीज़ें समझिए, जो बच्चा अपनी सीट से सेटिस्फाइड है यानी कि पहली कैटेगरी जिसको हमने कहा था, वो अपने डैशबोर्ड से सीट को फ्रीज कर लेगा और जो सेटिस्फाइड नहीं है वो अपग्रेड कर लेगा। अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन सेकेंड राउंड से शुरू होने से पहले ही आपके CSAS पोर्टल में ही विजिबल होगा, उसे आप प्रेस करोगे एज़ पर योर चॉइस, जो भी आपको करना है, अपग्रेड करना है, फ्रीज करना है, एज़ पर योर इंटरेस्ट।
और तीसरी कैटेगरी उन बच्चों की है जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तो उन्हें अभी कुछ भी नहीं करना, सीधा नेक्स्ट राउंड के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे सेकेंड राउंड के लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता ही है दोस्तों, 22 जून शाम 5 बजे उसके बाद या इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ है, 26 जून तक आप अपने डैशबोर्ड से उसको अप्लाई कर सकते हो, 27 जून तक वो वेरिफिकेशन होगा, उससे पहले भी हो सकता है, और फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 28 जून है। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उन्हें एडमिशन लेना ही पड़ेगा फर्स्ट राउंड में, उसके बाद अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि मैं कुछ भी एक्टिविटी नहीं करता या फिर मैं अप्लाई कर देता हूँ फीस नहीं भरता, तो अगले राउंड के लिए आपको कंसिडर नहीं करा जाएगा, चाहे फर्स्ट राउंड में आपको कोई सा भी कॉलेज अलॉट हुआ हो, अगले राउंड में आपका नाम नहीं आएगा। फिर तो टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड यू हैव टू टेक एडमिशन इन द फर्स्ट राउंड, एंड आपको ये बताना पड़ेगा कि आप अपग्रेड कर रहे हो या फिर फ्रीज कर रहे हो, ठीक है। ये प्रोसेस है दोस्तों सारा, और अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जिन जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है, वेरिफिकेशन के टाइम पर अगर कोई भी गड़बड़ी डॉक्यूमेंट्स में लगती है तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, प्लस जो आपका पोर्टल है उसे रेगुलर इंटरवल पर चेक करते रहें, बी वेरी केयरफुल और एक्टिव रहें, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए, बिकॉज उसी पर वो लोग कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो ये प्रोसेस है दोस्तों फर्स्ट राउंड सीट अलोकेशन के रिजल्ट के बाद का दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन का। यहाँ पर एक और लास्ट चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो बच्चे NCVAP में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं उनका भी इसी शेड्यूल के तहत एडमिशन होगा। अगर आपने NCVAP को फर्स्ट प्रेफरेंस रखा होगा तो, और आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला, दूसरा प्रेफरेंस मिला, तो आप एडमिशन लेके अपग्रेड के लिए जाओगे, ठीक है। जिसको NCVAP मिल गया वो सेटिस्फाइड है, NCVAP में ही एडमिशन लेना है, तो उसको फ्रीज करेगा सीट को, कोई अलग से NCVAP के राउंड्स नहीं होंगे, इसी के अंदर NCVAP का भी प्रोसेस चलेगा, और जो भी सीट अलोकेशन का सिस्टम का जो भी रूल है वो NCVAP वाले स्टूडेंट पर भी लागू होंगे। जैसे आपने NCVAP में एडमिशन, आपको सीट मिली, आपका थर्ड या फोर्थ या फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं था NCVAP का, लेकिन आपने एडमिशन के बाद उसको अपग्रेड कर लिया, तो नेक्स्ट राउंड में अगर आपकी सीट अपग्रेड होती है तो NCVAP वाली सीट आपकी चली जाएगी, फिर आप बाद में NCVAP की सीट को क्लेम नहीं कर सकते, इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए चलेगा। बाकी मैं तो ये मानता हूँ जिस बच्चे ने NCVAP को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं रखा तो ऑब्वियसली वो रेगुलर कॉलेज में जाना चाहता होगा, ठीक है। तो यही दोस्तों वीडियो थी, आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद क्या एक्टिविटीज़ आप लोगों को करनी है। ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।